मतलब कि एकदम बहुरूपीय हो का है। हे एवरीवन, नमस्ते नमस्कार, हेलो वेलकम। इफ यू वांट टू स्पीक सच टाइप ऑफ इंग्लिश, मतलब कि बहुरूपीय हो क्या, मतलब बहुरूपीय का इंग्लिश क्या होती है, देखते रहिए वीडियो को इन तक, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ खतरनाक तरीके से कुछ वर्ड्स जो कि मैं बता रहा था धीरे धीरे। जैसे कि क्या कभी आप ऐसे बोलते, ठीक है जेक, ठीक है, जैसे कि जो कोई भी आना चाहता आ जाए, तो जो कोई भी बोलना चाहते है खड़े हो जाए भाई, जो कोई भी घर जाना चाहता चले जाए, तो जो कोई भी अंग्रेजी क्या होती है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। जो कोई भी की अंग्रेजी होती है हु एवर, क्या होती है? हु एवर। जैसे जो कोई भी जाना चाहते हैं जाए, हु एवर वॉन्ट्स टू गो गो। जो कोई भी बोलना चाहता है खड़े हो जाए, हु एवर वॉन्ट्स टू स्पीक स्टैंड अप। क्या आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। जो कोई भी मेरा वीडियो पसंद करता है इसको शेयर करो। इसको ट्रांसलेट करना है, सच में शेयर मत कर देना भाई, गलती कर दोगे ना, शेयर कर दोगे भैया जी। चल ठीक है, तो नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, एक है, ठीक है, जैसे हुज एवर, क्या होता है? हुज एवर, इसका मतलब होता है जिस किसी का भी, जैसे जिस किसी का भी होमवर्क, तो हुज एवर होमवर्क, ठीक है, हुज एवर होमवर्क। जिस किसी भी की पैसा, जिस किसी का भी पैसा बचा हो वो जमा कर दे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? स्कूल में बोलते हैं जिसका भी पैसा बचा है तो जल्दी जमा कर दो, क्या बोलेंगे? हुज एवर मनी इज रिमेनिंग पे, ठीक है, जिस किसी का भी, ठीक है, पेन खो गया है वो यहाँ से ले ले, तो हुज एवर मनी इज, हुज एवर पेन इज लॉस्ट टेक फ्रॉम हियर, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यानी जिस किसी का भी, ठीक है, जिस किसी का घर यहाँ से दूर है वो चला जाए, इसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करके बोलना है, क्लियर? तो चलिए देखिए, हुज एवर हो गया, और क्या हो गया हमारा? हु एवर। हु एवर मतलब क्या होता है? जो कोई भी। हुज एवर मतलब जिस किसी का भी, और कोई सा भी चीज लेंगे, जिस किसी का भी, जैसे जिस किसी का भी घर, हुज एवर होम, जिस किसी भी चेयर, हुज एवर चेयर, जिस किसी का भी बैग, हुज एवर बैग, ऐसे करके बोल सकते हैं, क्लियर? तो चलिए लास्ट में बताना चाहूंगा जो स्टार्टिंग मैंने कहा था बहुरूपीय का, तो बहुरूपीय की इंग्लिश होती है मिमिक। जैसे तुम बहुरूपिया हो, यू आर अ मिमिक, वह बहुरूपिया है, ही इज मिमिक, वह बहुरूपिया था, ही वाज मिमिक, क्लियर? ऐसे करके बोल सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच गाइज, एंड इफ यू लाइक रीड दिस वीडियो प्लीज डोंट शेयर, डोंट सब्सक्राइब एंड डोंट लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज कर दीजिएगा, ओके, ऑलवेज थैंक यू सो मच, जय जवाब, मिलते हैं अगले वीडियो में।